अच्छा तुझे कुछ नया और टेस्टी चाहिए। और क्या, एक क्यों, एक से कागज पक गई है क्या? यार, हमेशा दाल चावल खाएगी तो पकेगी नहीं, तू बता। हाँ मुझे रोज पता है रोज तेरा दाल चावल दाल आजकल चावल दाल चावल, मटन बिरयानी खाने को मन कर रहा है। तो इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ ना। अच्छा तो चल जीजा जी को आज बुलाया जाए। बुला ले या हम चले जीजा जी के पास, दोनों काम में से एक काम कर लूं। अरे वैसे ना मेरी दीदी ना अभी कहीं बाहर गई है मार्केट वगैरह। हाँ और वो है ना जल्दी लौटेगी नहीं शाम से पहले। तो फिर चीजें कहाँ है, जीजा घर पे ही होगा, कहाँ छत पे, छत पे क्या अपने रूम में बैठा होगा। रूम में। एक बार मैं जीजा को फोन करके पूछ लेती हूँ, क्या पता पकड़ ले रंगे हाथ, तो फंस गए ना दोनों। हेलो हाँ हेलो, कैसे हो जीजा जी? एकदम मस्त। और तुम सुनाओ कैसी हो? बस जीजा आप तो याद ही नहीं करते हैं। अरे तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ। तो जीजा सोच रही थी मैं मिलने आ जाऊं, दीदी तो नहीं है घर पे? नहीं दीदी नहीं, आ जाओ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अच्छा पक्का? पक्का? तो जीजा आपका आज भी मन करता है मेरे साथ? अरे यार मैं जब तक तुम्हारे साथ ही होगी ना तब तक छोड़ूंगा ना तुम्हें। ओहो, और दीदी को पता चल गया तो? अरे दीदी को शक वक नहीं है, तुम्हारी दीदी कितनी भोली है तुम्हें पता है ना। हाँ दीदी तो बड़ी भोली भाली, उन्हें तो 3 साल से ही कुछ पता नहीं चला, अब क्या चलेगा। अब कुछ पता चलने वाला नहीं है दीदी को। कैसी अच्छा सुनो ना जीजा, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही हूँ। है वो? अरे बड़ी स्मार्ट है। यार उसके साथ भी कोई जुगाड़ लगा दो। तो जीजा दोनों ही आते हैं ना, फिर वो भी कह रही थी मेरा बहुत मन कर रहा है। चलो तो तुम और तुम्हारी सहेली दोनों के एक साथ आज रात में। तो दीदी रात में नहीं आ जाएगी? अरे दीदी को बोल दूंगा ना मैं कि मेरे स्टूडेंट है, तुम पहचानती तो नहीं है ना। नहीं, दीदी इसको नहीं जानती है, मेरी नई फ्रेंड बनी है। तो ऐसा करना, मैं बोलूँगा स्टूडेंट है, मैं क्लास वगैरह इसको कराऊँगा कुछ, तुम भी रहना, दोनों रहोगे तो और शक नहीं होगा। हाँ हाँ सही बात है, हम तीनों एक ही रूम में रहेंगे, दीदी को अलग सुला देंगे। ठीक है, ठीक है आ रही हूँ मैं। जल्दी आओ। ओके बात बन गई जीजू से। मान गए तेरे जीजू? अरे क्यों नहीं मानेंगे, एक नंबर की ठरकी है वो। और चले क्या, फिर। चल।